लाखों लोग रोजाना पॉर्न वेबसाइट पर वीडियोस और फोटोज देखते हैं, इन्हें दोस्तों से शेयर करते हैं, इनके बारे में बातें करते हैं और तो और ज्यादातर समय पॉर्न के बारे में ही सोचते भी हैं। रोज के इस रूटीन के चलते वो लोग पॉर्न एडिक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से पॉर्न देखे बिना उनका गुजारा नहीं होता। चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों न आ जाए, वो लोग पॉर्न के लिए हर रोज समय निकाल ही लेते हैं। यही आदत पॉर्न एडिक्शन कहलाती है। इसी लत के चलते अकेलापन अच्छा लगने लग जाता है, सबसे दूरी होने लगती है, ऑफिस में या फिर कॉलेज में भी दिन ब दिन परफॉर्मेंस खराब होती जाती है, छोटी छोटी बातों पर मूड खराब होता है, सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, सेहत खराब होती है, मेमोरी खराब होती है, चीजें भूलने लगते हैं, काम से फोकस हट जाता है और सेक्स लाइफ खराब होती है। सिर्फ एक पल के आनंद के लिए शख्स की पूरी लाइफ खराब हो जाती है। यह सब जानते हुए भी पॉर्न देखने की लत नहीं जाती। तो आइए बात करते हैं पॉर्न एडिक्शन से छुटकारा पाने के तरीकों की और उसके साथ साथ जानेंगे उससे होने वाले नुकसानों के बारे में भी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियो आप कभी मिस न करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ एंड वेल्थ। पॉर्न एडिक्शन से छुटकारा पाने से पहले आपको इन चार टॉपिक के बारे में जरूर जानना चाहिए। पहला टॉपिक, व्हाट इज पॉर्न एडिक्शन। पॉर्न एडिक्शन क्या होता है? पॉर्न फिल्मों या सेक्स क्लिप्स को बार बार देखने की लत पॉर्न एडिक्शन है। पॉर्नोग्राफिक कंटेंट जैसे वीडियो, फोटो और सेक्सुअल एडिक्टिविटी के बारे में पढ़ना पॉर्न एडिक्शन है। पॉर्न एडिक्टिविटीज को देखते हुए पॉर्नोग्राफिक मटेरियल का इस्तेमाल करना भी इसी लत में शामिल है। सेकेंड टॉपिक, सिम्टम्स ऑफ पॉर्न एडिक्शन। पॉर्न एडिक्शन के संकेत और लक्षण। अलग अलग लोगों में पॉर्न एडिक्शन के लक्षण भी अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ बेहद ही कॉमन लक्षण भी दिखते हैं। कई बार ये लक्षण बाहर के लोगों को भी नजर आने लगते हैं, जैसे बार बार पॉर्न देखने से खुद को रोक नहीं पाना, पॉर्न देखने के लिए पैसा और वक्त दोनों हद से ज्यादा खर्च करना, दिमाग में बार बार पॉर्न देखने का ख्याल आना या फिर वे काम करना जिससे पॉर्न आसानी से देखा जा सके। पॉर्न के नेगेटिव इफेक्ट्स के बावजूद खुद को पॉर्न देखने से न रोक पाना, परिवार, ऑफिस, कॉलेज या फिर सभी जरूरी कामों को छोड़ पॉर्न देखना, पॉर्न न देख पाने पर घबराहट या गुस्सा होना, काम में मन न लगना, कुछ भी काम करने के बावजूद बार बार पॉर्न देखने की इच्छा होना, लाइफ में कुछ भी ऊपर या नीचे हो पॉर्न देखकर ही नॉर्मल महसूस करना, हर बार नए नए पॉर्न वीडियो और फोटोज देखने का मन करना, फोन में या अपनी सीक्रेट जगह पर पॉर्न संबंधित मैसेज, फोटोज या वीडियोज रखना। तो ये थे वो पॉर्न एडिक्शन के संकेत और लक्षण जिनसे आपको पता चल ही गया होगा कि आप पॉर्न एडिक्ट हैं या नहीं। थर्ड टॉपिक, कॉजेज ऑफ पॉर्न एडिक्शन। पॉर्न एडिक्शन के कारण। किसी चीज की लत तभी लगती है जब आप अपनी रेगुलर लाइफ से खुश या संतुष्ट होना बंद कर देते हैं। अब चाहे वो सोशल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, ह्यूमन बॉडी या मन, दोनों शांति और अच्छा महसूस करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ये अच्छा महसूस करने की इच्छा और संतुष्टि उसको गलत चीजों की तरफ बढ़ा देती है। ठीक इसी तरह पॉर्न एडिक्शन भी है। दिमाग में गुस्सा, अनसैटिस्फाइड होना, स्ट्रेस, थकान, डिप्रेशन, लोगों का रिजेक्शन जैसी तमाम चीजों की वजह से लोग ड्रग्स, शराब या फिर पॉर्न के आदि हो जाते हैं। पॉर्न एडिक्शन लोगों के साथ भी ऐसा ही है। लाइफ से असंतुष्टि और लोगों द्वारा रिजेक्शन पॉर्न देखने की इच्छा को बढ़ाता है और दिमाग में इस इच्छा को बढ़ाने का काम करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, ऑक्सीटोनिक, एड्रेनलिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे बायोकेमिकल्स। पॉर्न देखने की इच्छा को यही केमिकल तेज करते हैं। फोर्थ टॉपिक, साइड इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग पॉर्न। पॉर्न देखने के साइड इफेक्ट्स। पॉर्न एडिक्शन के कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ इफेक्ट्स तो लंबे समय तक परेशान करते हैं। कई रिसर्च बताती हैं कि पॉर्न एडिक्शन से शराब और ड्रग्स की लत लग जाती है, तो कई बार जुए की भी आदत हो जाती है और इनसे आसानी से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। इतना ही नहीं, पॉर्न एडिक्शन दिमाग पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है। एक बार पॉर्न एडिक्शन लग जाए तो उसका लोगों से मिलना जुलना बंद हो जाता है। वो दिन भर मोबाइल पर ही एक्टिव रहता है। ज्यादा वक्त मोबाइल पर बिताने और सामाजिक तौर पर लोगों से दूर होने पर वो डिप्रेशन का शिकार होने लगता है।
यह नकारात्मक प्रभाव सिर्फ पोर्न एडिक्टर को ही नहीं, उसके आसपास मौजूद लोगों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। पोर्न एडिक्शन सिर्फ मेंटली और सोशली ही नहीं, बल्कि इससे एक कदम आगे पैसों की तंगी भी ला देता है। इस आदत में शख्स जरूरी चीजों पर पैसे खर्च नहीं करके पोर्न को देखने के लिए पैसे उड़ाता है। इससे धीरे धीरे उसका बिहेवियर गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो जाता है। आगे चलकर पोर्न देखने का लती व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है, कई बार अपने आसपास मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी करता है। पोर्न एडिक्शन की वजह से लोग खुद के शरीर को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। बार बार मास्टरबेट यानी हस्तमैथुन करना और एडल्ट प्रोडक्ट्स का खुद पर इस्तेमाल करना, इन सबसे शरीर खराब होता है। कई बार उनकी सेक्स लाइफ भी पूरी तरह से खराब हो जाती है। यानी सिर्फ एक पोर्न एडिक्शन बाकी चीजों का नाश कर देता है। और इसी के साथ एक और समस्या सामने आती है, प्रीमैच्योर एजैक्युलेशन, चिपचिपा पानी निकलना। किसी शख्स की इच्छा के बिना उसका चिपचिपा पानी निकलना, जैसे किसी लड़की से फोन पर बात करते वक्त चिपचिपे पानी का निकल आना, पोर्न फिल्म देखते वक्त चिपचिपे पानी का निकल आना, और साथ ही साथ किसी लड़की के कॉन्टैक्ट में आते ही चिपचिपे पानी का निकल आना, तो इसे प्रीमैच्योर एजैक्युलेशन कहते हैं। तो इस समस्या के लिए आप इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि आप चिपचिपे पानी की समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जाना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से पोर्न देखने की लत छोड़ी जाए। आसानी से उपलब्ध होने वाला इंटरनेट और साथ में मिलने वाला कॉम्प्लीमेंटरी फ्री डेटा पोर्न देखने का जरिया सस्ता और आसान होने से पोर्न एडिक्शन बढ़ गया है। इस वजह से कई तरह की नेगेटिविटी देखी जा रही है, जिसका उपचार जरूरी हो गया है। इस लत से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले ये समझें कि ये एडिक्शन किस हद तक है। दिन में कितनी बार पोर्न देखने का मन करता है, किस वक्त करता है, इसके क्या लक्षण हैं, और कोई ऐसा काम या चीज जिसके बाद पोर्न देखने का मन करता हो, तो ऐसी तमाम चीजें पहले नोट कर लें। जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि यह लत किस लिमिट तक है, तब तक आप इससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे। तो अब जानिए वो 5 आसान तरीके जिनसे पोर्न एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है, पोर्न करें ब्लॉक। पोर्न के सभी सोर्स को खत्म कर दें, जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या फिर मोबाइल फाइल, सभी से पोर्न डिलीट कर दें। पोर्न वेबसाइट पर न जाएं या फिर उन्हें हमेशा के लिए ब्लॉक कर दें। कोई पोर्न ब्लॉकिंग एपीके या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, ताकि भविष्य में कभी उससे संबंधित एड्स भी आपके सामने ना आ पाए। सेकेंड स्टेप, बिजी रहें। जितना टाइम आप अकेले बिताएंगे, उतना आपका फिर से पोर्न देखने का मन करेगा। इसलिए अकेले न रहें, खुद को जितना हो सके बिजी रखें। फैमिली के साथ टाइम बिताएं, दोस्तों से बातें करें। ऐसे दोस्तों की संगत में बिल्कुल न रहे जिसमें पोर्न की लत छोड़ ही न पाए। दोस्त बनाएं या फिर खुद को बिजी रखने के लिए पोर्न के अलावा जो भी आपको पसंद हो वो एक्टिविटी जरूर करें। थर्ड स्टेप, मोबाइल से दूरी। पोर्न देखने का जरिया मोबाइल या कंप्यूटर ही है, जहां आप पोर्न वेबसाइट पर जाकर इन्हें देख सकते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर सेक्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फोटोज या मीम्स देखने लग जाते हैं, जो उन्हें पोर्न वीडियो देखने पर मजबूर करते हैं। इससे बचने के लिए मोबाइल और कंप्यूटर से दूरी जरूर बनाएं। फोर्थ स्टेप, नई एक्टिविटीज में हिस्सा लें। किसी भी आदत से पीछा छुड़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि नई एक्टिविटीज में हिस्सा लिया जाए, नई चीजें सीखी जाए, ताकि आपको पोर्न की याद ही न आए। और धीरे धीरे इन नई एक्टिविटीज में आपका मन लगने लगेगा। आप डांस, क्रिकेट, फुटबॉल, मॉर्निंग में रनिंग, एक्सरसाइज, सिंगिंग, कुकिंग, पेंटिंग जैसी अपनी पसंद की तमाम चीजें सीख सकते हैं। अब आता है फिफ्थ और आज का आखिरी स्टेप, खुद पर ध्यान दें। दुनिया में सबसे कीमती चीज आपकी हेल्थ है, इस पर ध्यान दें। खुद को शीशे में देखें, पुराने बेस्ट मोमेंट्स की तस्वीरों को खंगालें, देखें कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। दिमाग में इस बात को बिठा लें कि आज से नहीं बल्कि अभी से आपको खुद को बदलना है। पोर्न को फिर से दिमाग में नहीं लाना है, खुद के शरीर को पहले जैसा हेल्दी करना है। सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि खुद में अंदरूनी भी बदलाव लाना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और कॉमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप अगली नॉलेजेबल और हेल्थफुल वीडियो कभी मिस न करें।
तो फ्रेंड्स, अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।